गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द चैप्टर फर्स्ट ऑफ 10th क्लास, टॉपिक केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सो व्हाट आर केमिकल्स? केमिकल्स आर मेड फ्रॉम सम एलिमेंट लाइक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन एंड एटसेट्रा। We have earlier learned about it that we have 114 plus elements in atmosphere. They are in free state or compound state. Chemicals क्या है? Basically अगर हम जन बात करें, ग्राउंड लेवल पे बात करें, तो सुबह उठते ही सबसे पहले हम टूथपेस्ट का यूज करते हैं दांत साफ करने के लिए। तो जो टूथपेस्ट है उसके पीछे कुछ ना कुछ इंग्रेडिएंट ये होंगे कि वो किन किन केमिकल से मिलकर बना है। दूसरा मेन कंपोनेंट हमारे लिविंग का फूड। फूड मतलब C6H12O6 मतलब ग्लूकोज। तो ये भी कुछ एलिमेंट से जैसे कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, तो ये भी एक केमिकल है। देन एयर में इनहेल करते हैं हम ऑक्सीजन, जो हीमोग्लोबिन के साथ यानी ब्लड के साथ रिएक्ट करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करती है। तो वो भी एक तरीके का केमिकल कंपाउंड तैयार होता है। इतना डीप में नहीं जाते हुए हम वापस टॉपिक पे आते हैं कि केमिकल रिएक्शंस क्या है। केमिकल रिएक्शंस मतलब जब केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं और नया प्रोडक्ट बनाते हैं, वो जिस प्रोसेस से पास आउट होते हैं प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए, वो हमारे पास होती है केमिकल रिएक्शन। जैसे बर्निंग ऑफ कोल लेते हैं हम, कार्बन को जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न किया जाता है तो ये दो केमिकल आपस में मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सो इट इज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को सिंबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना केमिकल इक्वेशन कहलाता है। इस पे हम बाद में और डिटेल भी पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में बहुत सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं हम आइस। आइस, वाटर और वेपर। आइस मेड अप फ्रॉम H2O मॉलिक्यूल्स, वाटर इज ऑल्सो H2O एंड वाटर वेपर इज ऑल्सो H2O। अगर आप यहां देखो तो कन्वर्जन ऑफ स्टेट हो रहेगा। आइस जो है वो हीट करने पे वाटर में कन्वर्ट हो रही है, वाटर को हीट करने पे वो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर को अगर आप कूल डाउन करोगे वाटर में कन्वर्ट होगा, वाटर को कूल डाउन करेंगे तो आइस में। ओवरऑल इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में कोई भी चेंज नहीं है। आइस में भी H2O था, वाटर में भी H2O है और वेपर में भी H2O है। तो ये ओनली फिजिकल चेंज है। केमिकल चेंज क्या होगा? केमिकल चेंज में टोटली आपको एक नया सब्सटेंस मिलेगा जिसे आप बैक नहीं ले सकते, यानी प्रोडक्ट से वापस रिएक्टेंट नहीं बना सकते। जैसे अगर आप कोयला लेते हो, कोल को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो CO2 गैस बना देगा। क्या कभी देखा है कि CO2 गैस को इकट्ठा करके वापस कोयला बना सके? नहीं। एक छोटा सा एग्जांपल, घरों में दूध है, दूध से दही बनता है। कभी ऐसा हुआ है कि दही से वापस दूध बना सके? नहीं। क्यों? क्योंकि उनके केमिकल कंपोजिशन टोटली चेंज हो चुकी है। जो प्रोडक्ट बना है उसे वाइस वर्सा या बैकवर्ड आप वापस रिएक्टेंट में चेंज नहीं कर सकते किसी भी तरीके से, कोई भी मेथड से। जबकि इनमें आप वाइस वर्सा चला सकते हो कि आइस से मैं वाटर बना लूं, वाटर से वेपर, वेपर से वापस वाटर, वाटर से वापस आइस बना सकते हैं। तो ये रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट मिल सकता है। सो इट इज अ फिजिकल चेंज एंड इट इज केमिकल चेंज। यस, so now we will see the difference between chemical and physical change. chemical change, chemical change में आपको reactant से product मिल जाएगा, लेकिन product से दोबारा reactant नहीं मिलेगा। इसका example देख सकते हैं, same छोटे-छोटे example से शुरुआत करेंगे। carbon plus oxygen on burning CO2,
क्लियर। फिजिकल चेंज में आपको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी मिलेगा और प्रोडक्ट से आप वापिस रिएक्टेंट को भी गेन कर सकते हो, जैसे कि आइस से वॉटर और वॉटर से आइस। दूसरा, केमिकल चेंज में न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड। इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा आपके पास वो बिल्कुल नया होगा, यानी बिल्कुल नया मतलब जैसे यहां CO2 बनी है वो पहले नहीं थी, कार्बन को बर्न करने पर ही CO2 मिली है। जो नया प्रोडक्ट बनेगा इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम रिएक्टेंट। जो न्यू प्रोडक्ट है वो रिएक्टेंट से बिल्कुल ही अलग होगा, जबकि यहां रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर इंटर कनेक्टेड बाय केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी इनमें आइस है तो वो भी H2O है, वॉटर है तो वो भी H2O है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। थर्ड, इसमें नया जो सब्सटेंस है उसका ऑर्डर है, स्टेट है, वो चेंज होगी। इसमें भी जो स्टेट है वो चेंज होगी, लेकिन ऑर्डर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन में सेम ही रहता है। अच्छा, यहां ऑर्डर एक नया वर्ड है आपके लिए, ऑर्डर मींस होता है स्मेल, किसी भी चीज की स्मेल को हम केमिकल लैंग्वेज में बोलते हैं ऑर्डर। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट केमिकल रिएक्शन एंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। यस, केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन विच टेक प्लेस बिटवीन केमिकल्स टू गिव प्रोडक्ट। किसी भी केमिकल्स की वो रिएक्शन जिससे एक नया प्रोडक्ट बनता है वो केमिकल रिएक्शन कहलाती है। जैसे कोई भी केमिकल के बीच में होने वाली रिएक्शन को केमिकल रिएक्शन बोलेंगे, सिंपल जैसा नाम है वैसी इसकी डेफिनेशन। जैसे मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये कंप्लीट क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। अगर आपसे पूछे कि डिस्क्राइब कीजिए केमिकल रिएक्शन क्या है, तो रिएक्शन व्हिच टेक प्लेस बिटवीन द केमिकल टू फॉर्म प्रोडक्ट और न्यू प्रोडक्ट इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। नाउ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में नंबर एक है हमारे पास एडिशन रिएक्शन या कंबिनेशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन, जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्शन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। रिपीट कर रहा हूं मैं कि जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट रिएक्शन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। जैसे ए और बी कोई दो केमिकल है, वो आपस में रिएक्शन करके सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे ए बी। इसका एग्जांपल मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, बर्न करेंगे इसको तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ए हो गया, ऑक्सीजन बी हो गया और ए बी हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए सिंगल प्रोडक्ट बना है हमारे पास और मैग्नीशियम ऑक्साइड बर्न करने पे ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है, व्हाइट कलर पाउडर। एक चीज और है कि हमें बनने वाले प्रोडक्ट का पाउडर है, लिक्विड है, प्रेसिपिटेट है, क्या कलर है, ये सब चीजें भी याद करना जरूरी है, क्योंकि ये चीजें एग्जाम में क्वेश्चन के तौर पर पूछी जाती है। ठीक, अब इस चीज में एक क्वेश्चन ये भी आता है कि व्हाई शुड द मैग्नीशियम रिबन क्लीन बिफोर बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। कि मैग्नीशियम रिबन को घिसकर साफ क्यों किया जाता है एयर की प्रेजेंस में जलाने से पहले, तो उसके लिए क्वेश्चन है कि जैसे हमारी स्किन है, हमारे हाथ की स्किन पे अगर यहां आप कोई सॉल्ट या कोई चिली पाउडर अगर डालते हैं तो कोई जलन नहीं होगी, कोई भी बर्निंग नहीं होगी, लेकिन अगर हम इस स्किन को पील करके उस पर कोई सॉल्ट डालेंगे तो रिएक्शन जल्दी होगी और हमें जलन भी जल्दी होगी। सेम प्रोसेस होती है कि मैग्नीशियम एयर की प्रेजेंस में रिएक्शन करके अपना ऑक्साइड लेयर तैयार कर लेता है,
तो इसलिए मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले उसे थोड़ा घिसकर साफ करते हैं ताकि उसकी अपर जो मोस्ट रिएक्टिव लेयर है वो एयर के साथ दोबारा बर्न की जा सके और व्हाइट कलर का पाउडर बनाता है। दूसरी रिएक्शन हमारे पास आती है डिसोसिएशन रिएक्शन। डिसोसिएशन इज द अपोजिट ऑफ एडिशन रिएक्शन, दैट मींस इसमें सिंगल रिएक्टेंट रिएक्शन करके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएगा कि इसमें ए भी था वो टूटकर ए और बी बनाएगा। जैसे कि वाटर का एग्जांपल लेते हैं कि जब वाटर को डिसोसिएट करवाया जाता है, तोड़ा जाता है, तो ये दो चीजें बनाता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो ये अगर आप एडिशन रिएक्शन में भी एग्जांपल दे सकते थे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करके वाटर बनाते हैं, और सेम एग्जांपल रिवर्ट करके आप डिसोसिएशन में डाल सकते हो कि वाटर डिसोसिएट होकर टूटकर H2 और O2 बनाता है। नाउ डिसोसिएशन मींस कि कोई भी सिंगल रिएक्टेंट है, जैसे अभी मैंने बताया कि वाटर है वो डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनाना है, तो ये डिसोसिएशन रिएक्शन हो जाएगी। डिसोसिएशन रिएक्शन भी आगे तीन टाइप की है। नंबर एक है थर्मल डिसोसिएशन। थर्मल डिसोसिएशन का मतलब है कि जब कोई भी रिएक्टेंट अंडर थर्मल, थर्मल माने हीट, नया प्रोडक्ट बनाता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, लाइमस्टोन, हिंदी में इसे कहा जाता है चूना पत्थर। घर पे जो व्हाइट वॉश करने के लिए पत्थर लेके आते हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, चौक है जो बनता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का। मार्बल जो बनता है घर पे, संगमरमर के पत्थर जो यूज होते हैं, मार्बल यूज होता है, वो सब कैल्शियम कार्बोनेट का है। तो ये केवल हीट देने पर ही, और ये जो ट्राइंगल में बना रहा हूं बिलो द एरो, एरो रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन एंड ट्राइंगल रिप्रेजेंट सिंबल ऑफ हीट। तो कैल्शियम कार्बोनेट डिसोसिएट होकर बनाता है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। फिर दोबारा देखिए कि यहां सिंगल रिएक्टेंट था जो टूटकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है। दूसरा टाइप इसका आता है इलेक्ट्रिक डिसोसिएशन। इलेक्ट्रिक डिसोसिएशन मतलब अंडर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऐसा डिसोसिएशन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी हेल्प करेगी। जैसे कि NaCl है, NaCl सोडियम क्लोराइड, घर में जो व्हाइट सॉल्ट यूज करते हैं जिसे कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है, वो सोडियम क्लोराइड है। इलेक्ट्रिसिटी देने पर, तो यहां हम लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी, यानी अगर आप उसमें करंट जला दें तो सोडियम और क्लोरीन गैस बनाएगा। ये भी देखिए सिंगल रिएक्टेंट था, डिसोसिएट होकर दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाता है। थर्ड टाइप इसका आता है हमारे पास सनलाइट या फोटो लाइटिक डिसोसिएशन, ऐसी रिएक्शन जिस जो सनलाइट के प्रेजेंस में होगी। जैसे कि 2HI है हाइड्रोजन आयोडाइड, अगर इस पे सनलाइट HB, इट इज द सिंबल ऑफ सनलाइट, डिसोसिएट होगा H2 में और आयोडीन गैस में। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि व्हाई शुड वी कीप हाइड्रोजन आयोडाइड इन डार्क ब्राउन वैक्स कोटेड बोतल, कि हाइड्रोजन आयोडाइड को भूरे रंग की वैक्स कोटेड बोतल में क्यों रखा जाता है, क्योंकि अगर आप उसे नॉर्मल ग्लास बोतल में रखोगे और वो सनलाइट की प्रेजेंस में डिसोसिएट हो जाएगा हाइड्रोजन गैस में और आयोडीन गैस में, इसलिए हाइड्रोजन आयोडाइड HI को ब्राउन कलर की वैक्स कोटेड बोतल में ही रखा जाता है। तो दीज आर द टाइप ऑफ डिसोसिएशन रिएक्शन।